की टक्कर से बाइक सवार युवक की उपचार के दौरान हुई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल मोर्चरी में रखवाया। बीती देर रात्रि नया गांव बाईपास पर हुआ हादसा। पाली सदर थाना अंतर्गत सोजत बाईपास के पास बीती देर रात्रि को एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिसके उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। जानकारी के अनुसार पाली के महेंद्र सिंह जो सोजत से पाली की ओर आ रहा था, तभी सामने आ रहे अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया। अज्ञात वाहन चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। घायल को कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता हकीम भाई जो पाली की ओर आ रहे थे, उन्होंने मानवता दिखाते हुए अस्पताल लाए, लेकिन उपचार के दौरान महेंद्र सिंह की मौत हो गई। फालना में कान सिंह सिसोदिया की सनसनीखेज हत्याकांड का खुला राज। पाली एसपी राहुल कोटिकी ने प्रेस वार्ता कर मामले का किया खुलासा। प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। खुलासे में मुंबई निवासी मुख्य अभियुक्त ने सुपारी देकर करवाई हत्या। मुख्य अभियुक्त सहित एक को किया गिरफ्तार। 20 अगस्त को पाली जिले के फालना में अज्ञात हमलावरों ने कान सिंह राजपुरोहित की गोली मारकर हत्या करने के मामले को लेकर पाली पुलिस अधीक्षक राहुल कोटिकी ने प्रेस वार्ता लेते हुए मर्डर कांड का खुलासा किया और मुख्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और बाकी शार्प शूटर तीन आरोपियों की तलाश जारी है। फालना कस्बे में गोली मार्केट एरिया है, वहां एक टी स्टॉल पे बैठा कान सिंह नामक व्यक्ति वहां चाय पी रहा था। उसी समय कुछ लोग अज्ञात हैं, मुंह पे फेस मास्क लगा हुआ था, मोटरसाइकिल में आए और कान सिंह को वेरी क्लोज रेंज से फायरिंग करके मौके पे ही उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट्स कभी पाली शहर में पाली ज़िले में हुए नहीं थे, केस सुपारी किलिंग का था और क्योंकि गंभीर था तो एडिशनल एसपी साहब सीओ साहब और पूरी जो बाली सर्कल और सुमेर है इसमें सभी ऐसे चोर आ गए थे मौके पे। और बाद भी घटना के बाद भी जो मुलजिम तक हमें पहुंचने में एक टीम के रूप में इन्होंने सबने काम किया। मैं खुद भी वहाँ मौके पे गया हुआ था और पूरा घटनास्थल और बॉडी भी देखा। लोगों ने जो आसपास के लोग थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे, उन्होंने कुछ हमें क्लूज दिए कौन संभावित जो है व्यक्ति जो कान सिंह का मर्डर किया होगा। उसी एंगल को देखते हुए प्लस ट्रेडिशनल बेसिक पुलिसिंग सीसीटीवी कैमरेज सारे हमने खंगाले, बीट कॉन्स्टेबल्स को लगाया, एडिशनल साहब के नेतृत्व में पूरी टीम लगातार प्रयास करती रही और अंत में हमें सफलता मिला कि भरत भूषण करके जो भरत वैष्णव जो है उसने कुछ लोगों को सुपारी दी थी इस कान सिंह को मारने के लिए। कुछ घंटे में रहता था, अभी भी रहता है, जो कान सिंह के साथ पुराना परिचित भी है, 10-12 साल से वो एक दूसरे को जानते हैं। कोई दोनों ने एक एग्रीकल्चर ज़मीन 14 बीघा की जॉइंटली उन्होंने खरीदी भी है। इसके अलावा एक जो घर है 1000 गज का, वो घर जो है वो कान सिंह द्वारा, यानी है ज़मीन भरत वैष्णव की, लेकिन वो घर का निर्माण कार्य में मदद पूरी इसी व्यक्ति जो मृतक है कान सिंह ने की थी। कान सिंह जो है मृतक, वो उसका एक मोबाइल एक्सेसरी शॉप है और टिकट बुकिंग भी करता था। तो ये जो आरोपी है, इसकी वाइफ जो है ये आती जाती रहती थी इसके दुकान में, कभी बॉम्बे जाने के लिए भी टिकट कटवाती थी। ये भरत वैष्णव की जो वाइफ है, ये दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ा, फिर जाके वो फिजिकल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुआ। ये बात भरत वैष्णव को कहीं ना कहीं पता चला। इसने कई बार मृतक को
चेतावनी भी दी कि तू ऐसी